शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्र को लेकर मध्य प्रदेश में सुरक्षा का बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद एमपी पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए। ऐसा क्या आया इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कि एमपी में नवरात्र को लेकर खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लेना पड़ी कलेक्टर एसपी की बैठक, और रोकथाम के लिए सरकार ने क्या उठाए कदम, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। दरअसल शक्ति की भक्ति के पर्व को लेकर एमपी में बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट में नवरात्र के दौरान असामाजिक तत्व सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकते हैं। यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो एक्शन में न सिर्फ नजर आ रही है, बल्कि इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी की बड़ी बैठक ली। बैठक में नवरात्र की तैयारियों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिलों में कलेक्टर की पावर को बढ़ा दिया है। अब कलेक्टर अपराधियों पर एनएसए की कार्रवाई भी कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए जो अधिसूचना जारी की है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। सीएम मोहन के निर्देश के बाद एमपी के डीजीपी सुधीर सक्सेना ने भी पुलिस के अधिकारियों की बैठक में कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही नवरात्र में पंडालों और गरबा आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आयोजन समितियों को भी गरबा स्थल पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही पुलिस ड्रोन के जरिए भी अब गरबा स्थलों के साथ ही भीड़भाड़ी वाली जगह जो है उसकी निगरानी करेगी। जिसके लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा ये भी सुनिए। आने वाले दिनों में गरबा को लेकर के पुलिस ने पर्याप्त तैयारियां की है। खासतौर पर शहर में हम जानते हैं कि जो 30 के आसपास बड़े गरबे आयोजित हो रहे हैं, उन सभी गरबों में महिला सुरक्षा को लेकर के विशेष पुलिस बल तैनात रहेगा। इसमें बड़ी संख्या में इन कार्यक्रम स्थलों के आसपास और खासतौर पर जो व्यस्त जगह हैं, व्यस्त जो फार्मिंग जगह, सभी जगहों पर पर्याप्त महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि देर रात तक अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पूरी तरीके से माहौल व्यवस्थित रहे, और इस हेतु सभी थानों को निर्देशित किया गया है। पहली बार ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। ड्रोन कैमरों का सीसीटीवी जो परंपरागत है वो तो है ही, जितने भी आयोजक हैं सभी को निर्देशित किया गया है कि आयोजन स्थलों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे को लगाना सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा संवेदनशील जिलों में खास तौर पर निगरानी के निर्देश दिए गए, जहाँ हाल ही में तनाव या विवाद की स्थिति निर्मित हुई हो। खास तौर पर इसमें रतलाम, छतरपुर समेत अन्य जिलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर रहेगी। अगर कोई भी अफवाह फैलाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सिंह की रिपोर्ट।